हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज ये मैंने बहुत दिन के बाद थोड़ी लेट हो गई, तो आज मैंने बहुत दिन के बाद कुछ प्रॉब्लम के चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, बट आज से ये मेरा रेगुलर वीडियो जाएगा, तो मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो में बताऊँगा कि अगर आपका यूट्यूब चैनल्स था तो आप अपने प्रोफाइल को एडिट करने के लिए आपको लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता था। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम आपको दिखलाते हैं कि जैसे कि आप अपने यूट्यूब पे यहाँ पे लोगो पे क्लिक करते थे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, योर चैनल्स और टर्न ऑन योर इकोनो और ऐड अकाउंट। तो इस तरह के यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, योर चैनल पे। जब आप इस पे क्लिक करते थे तब जाके आपका चैनल्स का इस तरह का आपका ओपन होता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बैकग्राउंड वाला बैनर शो करता था, और यहाँ पे आपका लोगो शो करता था। और आप जब ऊपर में स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आपका यहाँ पे होम ऑप्शन शो करता है, वीडियो वाला, और शॉर्ट वीडियो आपने कितने अपलोड किया, आपका प्लेलिस्ट, कम्युनिटी टैब एंड मेंबरशिप चैनल्स एंड अबाउट सेक्शन। तो आपको क्या करना पड़ता था, पहले मान लीजिए कि आपको अपना लोगो चेंज करना होता था। जैसे कि मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये पुराना ये वाला फ़ोटो है, तो मैं यहाँ पे दूसरा फ़ोटो लगाना चाहता हूँ। तो हम लोग को क्या करना पड़ता था कि इस वाले एडिट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ता था। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे पेंसिल वाले पे हम लोग क्लिक करते थे, इस पे हम लोग क्लिक करते थे। जब इस पे क्लिक करते थे तो इस तरह से हम लोग के यहाँ पे ओपन हो जाता था, ओपन हो जाता था। यहाँ पे आपका चैनल्स का नाम शो करता था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हैंडल एक न्यू ऑप्शन आया है, और यहाँ पर भी एक URL न्यू ऑप्शन आया है, जो कि ये पहले नहीं था, पहले यहाँ पे शो नहीं कर रहा था। इतना सारा अब यहाँ पे शो करने लगा, यानी कि नेम हो गया, और ये एक जो हो गया ये नया यहाँ पे ऑप्शन शो करने लगा, URL अब यहाँ पे नया शो करने लगा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो पहले ही से हम लोग का यहाँ पे उपलब्ध था। तो हम लोग को यहाँ पे फोटो एडिट करने के लिए सिंपली इस पे जाना पड़ता था। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों पे ही यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता था कि इस पे क्लिक करते थे, और जब क्लिक करने के थे तो यहाँ पे अपने गैलरी में आ जाते थे कि आपको कौन सा फ़ोटो चूज करना है। तो यहाँ पे हमको इतना लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता था, बट अब यूट्यूब ने क्या कर दिया। तो चलिए अब वीडियो को करते स्टार्ट, और हम आपको बताते हैं कि आखिर यूट्यूब ने क्या यहाँ पे चेंज कर दिया कि आप आसानी से कर सकते हैं अपने चैनल्स का लोगो चेंज। और यहाँ पे तो देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगो चेंज कर सकते हैं, बट ये आपका पीछे वाला जो बैनर है यूट्यूब का, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कैमरा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे यूट्यूब पे आना पड़ता था, तो लॉन्ग थोड़ा प्रोसेस था, बट अब यूट्यूब ने क्या कर दिया। तो चलिए यूट्यूब ने क्या कर दिया हम आपको दिखलाते हैं। तो जब आप अपना वाइट स्टूडियो ओपन कर लीजिएगा, देखिए मेरा ओपन हो रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब आप अपना वाइट स्टूडियो ओपन कर लीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो सब्सक्राइबर्स है यहाँ पे शो करेगा, आपका व्यू शो करेगा, आपका वॉच टाइम शो करेगा, आपका सब्सक्राइबर शो करेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका इनकम कितना हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इस मंथ में $5.39 इनकम हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपना भी आप चेक कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे में आपको एक ऑप्शन भी दिखाई देगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एनालिटिक्स का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनालिटिक्स का, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टॉप 10 में कितने वीडियो चल रहे हैं, कितने वीडियो आपके टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके 48 घंटे में आपके टोटल व्यूज़ कितने आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कौन से वीडियो पे कितने व्यूज़ आए हैं। तो देख सकते हैं कि मेरा इस वाले पे 194, इस पे 3, इस पे 3, इस पे 2, इस पे 2, यानी कि इस तरह से जब टोटल को ऐड कीजिएगा तो 218 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा 48 घंटे में 218 व्यूज़ आया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आपको मेन टॉपिक पर हम चलते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप अपने यहाँ पे लोगो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर में लोगो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आता था, ये जो एडिट योर चैनल है यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आता था, YT में ये उपलब्ध नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन आप देख रहे हैं कि जो मेरा लिखा हुआ है हैंडल, जो कि हम आपको वहाँ पे YouTube में बताया कि ये न्यू ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी वो न्यू ऑप्शन शो कर रहा है, बट ये सब पहले यहाँ पे उपलब्ध यहाँ पे नहीं था। तो YouTube में यूट्यूबर्स लोग को बहुत ही आसान और सिंपल करते जा रहा है YouTube को, ताकि सब लोग अच्छे तरीके से अपने चैनल्स को हैंडल कर लें। तो आप यहाँ पे जाइएगा, अपने इस पे क्लिक कीजिएगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा एडिट योर प्रोफाइल पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे भी आप अपना लोगो को चेंज कर सकते हैं, अपना नाम को भी चेंज कर सकते हैं इस वाले पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। यहाँ पे अपना हैंडल नेम भी चेंज कर सकते हैं इस पे क्लिक करके, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं। बट ये जो भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे पहले YT स्टूडियो में उपलब्ध नहीं था, या तो फिर आपको यूट्यूब में जाकर योर प्रोफाइल पर जाकर वहाँ से आपको एडिट करना पड़ता था, या फिर आप अपने YT स्टूडियो में क्रोम में जाके आप अपना वो ओपन करते थे, तब जाके आपको वहाँ पे क्रोम में मिलता था, तो वहाँ से आप जाकर चेंज करते थे। बट अब YouTube ने क्या कर दिया, सिंपली सी आप इस पे क्लिक कीजिए अपने कैमरे वाले पे, इस पे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको अपने चूज योर गूगल पे ले जाएगा। देखिए हम आपको दिखलाते हैं, चेंज करके आपको दिखलाते हैं सपोर्ट एड, जिससे कि मुझे ये लगाना है। चलो ये फोटो ले लिए, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, योर इतना भाई, मतलब कि ज़्यादा बिग फोटो है, छोटा में ही लेगा। तो यहाँ से आप सिंपली से डायरेक्ट यहाँ पे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो YouTube ने अब YT स्टूडियो में भी आपको अपना चैनल्स का एडिट, प्रोफाइल, डिस्क्रिप्शन जो भी चेंज करना है यहाँ पे सिंपली से एक बार में कर दिया है, एक बार में आसानी से। बस अपना यूट्यूब YT स्टूडियो पर इसे जाइए, ओपन कीजिए, ओपन कीजिए और यहाँ पर जाइए अपने लोगों पर, और यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर आ जाइए। अब एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि सिंपली सी एक बार में, एक क्लिक में आप यहाँ पे अपने आ सकते हैं, और एक एक करके अपना अपना सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो YouTube ने इतना आसान कर दिया यूट्यूबर के लिए कि आप बिल्कुल देखकर ये अपडेट खुश हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो यहीं तक अंत करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो ठीक है, आपसे मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।